दिस फिल्म इज अ लव ट्रायंगल बिटवीन थ्री सोलमेट्स. उर्वशी राउटेला के सोलमेट है पुलकित सम्राट. पुलकित सम्राट की जो सोलमेट है वो है यामी गौतम. और यामी गौतम के सोलमेट जो है वो है, अब सब कुछ बता दूंगी तो मूवी क्यों देखने जाओगे. Oh my God, the drama. Overall, अगर फिल्म की बात करें तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि स्वेटर लेके जाना मत भूलिएगा, फिल्म में बहुत बर्फ है, बहुत. और ये जो दोनों है ना, यामी एंड पुलकित, ओवरग्रोन स्कूल चिल्ड्रन लग रहे. ऑल्सो जो स्टार्टिंग में वो न्यू ईयर वाला गाना है ना, मैंने पी रखी है उसमें पूल में ना शार्क्स है, वो मिस नहीं करना है. वो शार्क पे ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा. सो ऑन द हॉट स्लॉट आई गिव सनम रे 2 thumbs up. I gave it 2 thumbs up as well. So Prabhut, what are the 3 things we learned? Okay, number 1, अगर आप एक खड़ूस बॉस हो तो आपकी इंग्लिश खराब होना बहुत जरूरी है. Number 2, प्यार को मीलों से नहीं गहराई से नापा जाता है. क्या बात है. एंड नंबर 3, अगर आप फिल्म की हीरोइन हो तो आपको ठंडी से ठंडी जगह में भी छोटे छोटे कपड़े पहनने, फिर कहने ठंडी लग रही है तो हीरो कहता है कि आओ बेबी मैं तुम्हें अपने बदन के गर्मी से गर्म रखता हूँ. तो ये थी हमारी विशेष टिप्पणी ऑन सनम रे. याद रहे, हम नहीं है मूवी क्रिटिक्स, हम है मूवी बाप. जी हाँ, हम आपको मिलेंगे अगली बार एक और नई फिल्म के साथ. तब तक के लिए याद रखिए, जूते पे छेद करना जरूरी है. इफ इट वर्क फॉर आदित्य रॉय कपूर, इट कैन वर्क फॉर यू.